जिसके नाम से बॉलर थर थर कांपते हैं, जिसको बॉल डालने से बॉलर डरते हैं। अब विदेशों में दिखेगा उसका जलवा, हांगकांग में तूफान लाएगा पठान। जी हाँ, कभी अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान को पहले आईपीएल टूर्नामेंट का चैंपियन बनाने वाले यूसुफ पठान अब हांगकांग में तूफान लाने वाले हैं। अब हांगकांग में पठान की बल्ले से टकराई गेंदें स्टेडियम के पार जाएंगी। यूसुफ पठान भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने किसी विदेशी टी20 लीग के साथ करार किया है। वो मानते हैं कि मार्च में शुरू होने जा रहा हांगकांग लीग आईपीएल की तैयारी का उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। 8 से 12 मार्च तक प्रस्तावित लीग में खेलने की अनुमति दिए जाने को लेकर पठान ने बीसीसीआई और वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद दिया है। आईपीएल में केकेआर की ओर से खेलने वाले पठान ने बताया, 2012 में आखिरी बार टीम इंडिया में खेलने वाले यूसुफ पठान की टीम में पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स जैसे खिलाड़ी हैं। मिल्स हाल ही में भारत के खिलाफ सीरीज में भी खेल चुके हैं। यूसुफ खिलाड़ियों की लाइनअप के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्हें भरोसा है कि ये अच्छा तजुर्बा होगा।